और जी साहिल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है रमजान का समा में अफ्तारी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आज आप ट्रैफिक में फंस गए तो आपने इनकी रूहानी टिप इस्तेमाल की। सर या फताह तक ठीक है, आपने तो सड़क के ऊपर डेंजरस वजीफा बता दिया। बिल्कुल बिल्कुल खतरनाक वजीफा था जी, रिस्की था। एक कॉलर है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी फरमाइए जनाब। मोहम्मद जाहिद चौहान बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए फरमाइए चौहान साहब। मुझे साहिल अदीम साहब से एक सवाल करना था। जी जी हेलो। जी जी सुन रहे हैं, बताइए भाईजान। जी फरमाइए जी। सवाल ये था कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में जा बजा वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि जो अल्लाह तबारक तआला के अहकामात हैं उनकी बजा आवरी लाने के बाद ही हम लोग सुरखरू हो सकते हैं। अब जब हम सब का ईमान है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जो हैं वो क़यामत तक के मुसलमानों के लिए रहमत हैं, कामयाबी है, सारी दुनिया पर हुक्मरानी का मलका रखती हैं, फिर क्या वजह है कि हम काफरों के निज़ाम तलीम जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले स्कूलों कॉलेज की सूरत में इसका जाल बिछा दिया गया है और इसको तरक्की समझ कर हमारी नस्लें जो हैं वो दिन रात इन अदारों में जा रही हैं, पढ़ रही हैं और एक नई से नई नस्ल पैदा हो रही है। मदर डे, फादर डे, टीचर डे, रोज डे, वैलेंटाइन डे, पता नहीं क्या कुछ आज हमारे मुल्क में होता चला जा रहा है। तो हम लोग एक तरफ कहते हैं कि हमारी तालीम रहमतुल आलमीन की अच्छी तालीम है, हम उसको छोड़ के फिर दूसरों की तालीम को क्यों अपनाए हुए हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। साहिल साहब, ये जो मुख्तलिफ अयाम मनाए जाते हैं या फिर जो जो निज़ाम तालीम है इसमें क्या ख़राबी है, और ये जो निज़ाम तालीम के साथ साथ ये जो अयाम है ये कहीं और से लिए हुए हैं? इसके तीन बड़े और काफ़ी सारे छोटे, एक पूरा एक डॉक्यूमेंट, एक रिसर्च के डॉक्यूमेंट्रीज एक्चुअली बनाई हुई मैंने, आप उस काम पे जाके वो वीडियोस देखें, इतनी लंबी बात है। इसकी बेसिक मसा फ़लसफे का है, तालीमी निज़ाम का फ़लसफा जो है ना, द फिलासफी बिहाइंड एजुकेशन, वो पूरी तरीके से इस्लाम को सपोर्ट, इस्लाम उसको सपोर्ट कहीं से और एंडोर्स नहीं करता। उसकी साइंटिफिक फ्लॉज सबसे ज़्यादा हैं। द केमिस्ट्री बिहाइंड, केमिस्ट्री का मतलब है यू नो उस मैकेनिज़म को जिस तरीके से बच्चों को एजुकेट करना चाह रहे हैं वो गलत है। करिकुलम जिस वजह से डिज़ाइन होता है वो वजह गलत है, जिस तरीके से डिज़ाइन होता है वो तरीका ऑर्गेनिक नहीं है। बच्चे को जिस उम्र में डाला जाता है वो उम्र का बैरियर ऑफ एंट्री गलत है। जिन सब्जेक्ट्स को सीक्वेंस किया गया वो भी गलत है। तो इसके ऊपर बहुत काम है काफ़ी सारे लोगों का, सिर्फ मेरा नहीं, मगर आप देखें आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पर गलती है। अब जो भाई साहब ने कहा ना कि हमें सीरा के थ्रू या नबी सलाम के थ्रू सिखाएं कि तालीम क्या होती है, तो वो ज़रूर उसमें वही है, मगर आई थिंक बॉयज़ ऑफ़ योर एज शुड बी आर्ग्यूइंग फॉर सीरा बाय एविडेंस। आप वीडियोज़ में देख लें मैंने किस तरीके से एस्टेब्लिश किया, ज़रूर सीखें, मगर आपके जनरल टर्मिनोलॉजी नहीं होनी चाहिए कि सीरा के थ्रू सिखाएं। किसी ने पूछ लिया ना हाँ सीरा में तालीम कैसे सिखाई थी, तो आप क्या जवाब देंगे? सो पहले देखें कि किस तरीके से इंसान के दिमाग को अल्लाह ताला ने किस तरीके से किन स्टेजेस से गुजारा हुआ है। ये हमारा सिस्टम है, हमारा ये जो सिस्टम है जिस्म का, उस सिस्टम के ऊपर एजुकेशन सिस्टम फिट करना था। हमने किसी के दो नंबर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर अल्लाह का ही वाला सिस्टम फिट करने की कोशिश की हुई, इसलिए धमाके हो रहे हैं बार बार। इसलिए 5% ऑफ ऑल पीपल इन दिस करंट एजुकेशन सिस्टम मेक इट टू द डिज़ायर्ड आउटकम्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ओके, जो एजुकेशन सिस्टम जो आउटपुट्स मांग रहा है वो अपने ही स्टूडेंट का 5% भी अचीव नहीं करवा सक रहा, बाकी के सारे लोग तो बस किसी तरीके से सिस्टम के पसमानदगान हैं, निकलने की कोशिश करते हैं स्कूल से कॉलेज से कि भाई किस तरीके से ये पर्चे क्लियर हो जाए, ये डिग्री मिल जाए, अल्लाह हाफिज़, बस। अदरवाइज दिस सिस्टम डिड नॉट गिव अस एनीथिंग। और ये जो मुख्तलिफ अय्याम का जिक्र उन्होंने किया है जिसको हम बड़े फादर डे, ये डे, वो डे, जी हाँ, जो अंग्रेज़ों की एक जो अंग्रेज़ों के ना होते तो चाइनीज़ कैलेंडर के ऊपर होते हैं, उसके तो 121 दिन है, छुट्टी नहीं होती हर जगह हर दिन की, मगर दिन ऐसे ही हैं, हर चार साल बाद नए दिन आते हैं, कुछ ऐसे हैं। इसमें हरज है मनाने में? नहीं, अगर छुट्टी करनी है तो छुट्टी के बहाने चाहिए तो पाकिस्तान आए। तो हम दुनिया से, मेरी अपील है जो छुट्टी करना चाहते हैं सुस्त लोग पाकिस्तान आ जाएँ। हम 50+ गेजेटेड हॉलीडेज मनाने वाली कौम है, तो हम कौन होते हैं फादर डे मदर डे कौनों को कहने वाले? अब मैं आऊँ पाकिस्तान में तो आप बताएं ना ज़रा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक गिने जो पाकिस्तान के अपने हॉलीडे रहे, बेशरम कौमों की निशानी और कुछ भी नहीं। हमें तो सैटरडे और संडे भी नहीं छुट्टी लेनी। बेशरम कौम है सर, पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कितने कत्ल होते हैं। हाँ हाँ कह रहा है,
अपनी बेटी भाग जाए तो गैरत है, फलस्तीन की बच्ची मर जाए गैरत नहीं आती ना हमें। ये है ये असल में ना, जो रियल इंडिकेटर्स पर चेक किया करें, ये प्लास्टिक के इंडिकेटर्स पर नहीं मुझे समझ आती। सो 50 छुट्टियाँ करने वाली वह कौम जो सबसे नीचे जा रही है और उसके बाद उनको और छुट्टियाँ चाहिए, तो ये बेशर्मी है। ये जो हमारा निज़ाम तालीम है इसमें सबसे आसान काम है कि स्कूल बंद कर दें, स्कूल को छुट्टी दे दें, इसकी क्या? कोरोना ने कराया था ना, कोरोना के टाइम पे ये हुआ और लोगों को होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, जो खुदा समझते थे कि अल्लाह की तरफ से आया एजुकेशन सिस्टम, इसके अलावा तो हम सोच ही नहीं सकते, उनको थप्पड़ ही देना रसीद हुआ कोरोना में कि भाई ये कुछ चीज़ नहीं थी स्कूल, समझ रहे, मगर फिर वापस कोरोना खत्म हुआ बच्चे वापस दे दिए उनको, ये लो तबाह करो ना, प्लीज़ तबाह करो हमारे बच्चे पैसे लेके। लेकिन आपने होम स्कूलिंग की बात की है। नहीं मैंने होम स्कूलिंग की बात नहीं की, अभी मैं कह रहा हूँ इस एजुकेशन सिस्टम के खुदा को तस्लीम करें, हमने खुद बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना करिकुलम ना डिज़ाइन ऑफ द यू नो द स्ट्रक्चर द स्केलेटन द फ्लैश द बोन्स नथिंग, इसलिए तो आप सोचें तो सही ना, एजुकेशन सिस्टम का लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? स्कूल टीचर। आप उस स्कूल टीचर की कॉम्पिटेंस देखेंगे आपको पता चलेगा एजुकेशन सिस्टम बाय डिज़ाइन उस इनकॉम्पिटेंस को मेंटेन रखता है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट हो जाएगा या हो जाएगी तो लाख दो लाख मांग लेगी, समझ रहे, इसका फलसफा ही बिजनेस का है। उसने अपने 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 उस्ताद को इनकॉम्पिटेंट रखना है और नाम एजुकेशन, सोचें ये उसका मजबूरी है कि वो ज़्यादा कॉम्पिटेंट टीचर ना रख ले, मजबूरी है उस सिस्टम की, फलसफा कितना करप्ट है इनका, एंड एवरी स्कूल नोज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑब्वियसली हु इज़ गोना अफोर्ड देम, और स्कूल का प्रिंसिपल पता है ओनर क्या कहेगा, सर आप क्या करें, हम सारे के सारे क्लास वन के बच्चों को भी PhD लेके आए, हमें ये उनका रिबटल होगा देखना। मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किया, कॉम्पिटेंस का, इन्होंने कहा लेके आना है कि सर फिर आप दे दें, आप पैसे दे दें, फिर हम फीसें भी लाखों करोड़ों में ले लें, ये वाला जुमला होगा इनका। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप जिस आपको पता था कि ये जो फ्रूट है इसमें कीड़ा लग चुका है उसके अंदर, फिर आपने उतार के घर पे क्यों रखा हुआ था? ये पुलिस वाला ये नहीं कह सकता सर तनख्वाह कम है इसलिए रिश्वत ले रहा हूँ, आपको पहले नहीं पता था कि पुलिस की तनख्वाह कम है, ये बाद में समझ आएगी आपको, तो छोड़ दो नौकरी अगर तनख्वाह कम है। ये क्यों कहते हो कि ओ सर फिर हम लाखों की करोड़ों की फीसें ले लें, कर दें लोग बच्चों को घर पढ़ाएं, लोग हाइब्रिड मॉडल हैं जरूर पढ़ाएं, मेरी तो पहली ख्वाहिश ये है कि लोग खुद पढ़ाया करें, मगर इतना नहीं कि मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज देखना शुरू कर दूं, वो मैं फैसिलिटेट करूंगा। लेकिन जो सोशल एनवायरनमेंट होता है बच्चों को चटाई होता है, कोरोना में 3 साल में जो बच्चे पले हैं वो सोशली वो खत्म हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, वो डम हो गए हैं, तो कोरोना 2 साल रहता तो पूरी हमारी नस्ल तबाह हो जाती सोशली, ये गलत बात है, सोशल स्किल्स नहीं सिखा रहा स्कूल, ये किसी ने हमें यही किसी ने पट्टी पढ़ाई हुई है, कॉलर ले लेते हैं तो गुनाह सिखाए, चोरी करना चीटिंग करना ये सोशल स्किल्स है, सोशल स्किल ये होती है कि टीचर को किस तरीके से पता ना चले और मैं साथ वाले का पर्चा देख लूं। सलामकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं सोबिया बात कर रही हूँ, मुझे साहिल अजीम साहब से सवाल करना है, अगर ग्रांट करेंगे तो 2 वरना 1। पहली बात तो दोबारा बोलिएगा मोहतरमा सोबिया, दोबारा बोलिएगा क्या कहा आपने? जी मैं कह रही हूँ अगर वो ग्रांट करेंगे तो 2 सवाल करूंगी, ऑन द अदर हैंड एक नहीं नहीं वो एक सवाल आप करें, पहला सवाल करें, पहले पहला सवाल करें जी, पहला सवाल ये है कि बच्चों की जैसे अंडर 7 ईयर्स है, अब होम पेरेंटिंग अगर कह रहे हैं तो कोई सोर्स भी तो मिले ना, अब इनसे कहते हैं बच्चे मदर्स पढ़ें तो बुक्स की कोई सोर्स हो, कोई आइडिया हमें ऐसा हो कि हम बच्चों को अपब्रिंगिंग किस तरह से करें, ठीक है ना, यहाँ 100 तरह की चीज़ है, बच्चों ऑब्वियसली बातें स्कूल पे भी जाते हैं 100 चीज़ें सीख कर आते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम है 100 चीज़ें सीखते, सो हाउ कैन वी मेक देयर ब्रेन। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि हजरत आयशा की निकाह जो है वो 5 साल की उम्र में कर दिया गया था और उनकी रुख्सत ही 7 ईयर्स में, अब बच्चियों को हम अंडर 7 बच्चियाँ कंसिडर करते हैं तो उनकी अपब्रिंगिंग कैसे की जाए, अल्लाह को रहमत बताया जाए या अल्लाह की आखिरत से डराया जाए, तो बच्चे कुछ ना कुछ तो नशोनुमा होती है, फिर हम कैसे उसको करें? बहुत कुछ सीखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स है तो सीखते हैं ना, होम स्कूलिंग बेसिकली वो होम स्कूलिंग की तरफ इनका अच्छा स्कूल भेजें। हाँ जी हम नहीं नहीं मैं आप जहाँ मर्जी भेजें, नहीं मैं कब कह रहा हूँ कि ना भेजें, मैं ये कह रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम को समझें
कि ये गलत की क्या है, अगर आपको नहीं समझ आई तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। देर इज, याद रखिएगा, जब से ये एजुकेशन सिस्टम आया ना, ये 19वीं सदी का शुरू था, एक्चुअली मिड था, ओके, जैसे 1830s 1840s, उससे लेकर चेक कर लें आईक्यू बैंड्स किधर गए हमारे, खाली बाकी सब कुछ छोड़ें, इन्हीं का अपना इंडिकेटर आईक्यू का कॉल। आपका फोन जो है ना वो साइड पे कर लें। हाँ जी, अच्छा, मैं नहीं, मेरा फोन बंद है। नहीं, मैं कहते साइड पे करते, डिस्टॉर्शन में इशू आ रहा है, डिस्टॉर्शन हो रही है, आई अपोलोजाइज। जी जी, सो हमारी बेसिक आईक्यू भी हमारा ड्रॉप हो रहा है। आप इजादात की लिस्ट देख लें, किस किस्म की और कितनी हो रही है, उसकी शरह देख लें, क्वालिटी ऑफ साइंस साइंटिस्ट देखें आप, जो इस एजुकेशन सिस्टम से पहले के थे वो न्यूटन और आइंस्टाइन थे, वो लॉजिक और मंतक के ऊपर बचपन में ट्रेन होते थे, ठीक है, उनकी मैथमेटिकल सेंस जो थी वो किस तरह की थी, और आप देखें हम लोगों ने क्या उदम मचाया हुआ है, क्या किया, ये तो अब भला हो AI का, खुद ही हमें वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर लेके जाएगी। ये कैलकुलेटर और यू नो कंप्यूटर ने इजाद करने के बाद हमें इस एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी निजात और रिलीफ दी है, वरना तो इन्होंने पूरी तरीके से हमारा बच्चा दम कर दिया था। पिछले कोई 150-200 साल से वी डिड नॉट मेजर द नंबर्स एंड यू विल फाइंड आउट, मगर मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप क्या कर सकते हैं और स्कूल ना भेजें तो, क्योंकि उनको खुद तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नहीं आती ना। सो मैं इसलिए कोरोना की बात करता हूँ, कोरोना में आपके स्कूल्स आपके ट्यूशन अकेडमीज बन गए थे, ऑनलाइन टीचर्स आते थे, जूम पे पढ़ाते थे, कोरोना में हो रहा था हर घर घर हर बच्चे के साथ। तो मैं तो शुरू दिन से ये कहता आया हूँ कि ये अगर पॉसिबल था शुरू से तो अपने एक्सपर्ट्स को आप मैनेज करें, जैसे हॉस्टल के ओनर्स मैनेज करते हैं कि स्टूडेंट्स कमरे में ही हैं और टीचर्स बाहर से आ रहे हैं, रादर के टीचर्स कमरे में और स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं, और आप उस माहौल को सोशल स्किल्स के लिए आप हज़ार और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके राइडिंग क्लब्स हैं, स्विमिंग क्लब्स हैं, देयर आर सो मेनी स्पोर्ट्स दैट यू बेटर गो टेक देम इनटू, बाय द वे 90% ऑफ ऑल पाकिस्तान के स्कूल्स में तो स्पोर्ट्स है ही नहीं, ये तो हमने खुद झूठ बोला हुआ है कि हर स्कूल में स्पोर्ट्स होती है, कौन से स्कूल में स्पोर्ट्स होते हैं, सालाना स्पोर्ट्स जरूर होता है।